Morning, my dear students. Welcome back to our tutorial. So, beta, in this tutorial, we will learn the very next topic of your art, that is the still life. It is in your art book on a page number 25. Okay, so let's learn. बेटा स्टिल लाइफ क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को हम जो स्टिल होता है उसकी ड्राइंग को हम स्टिल लाइफ कहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी बुक में दी हुई है, तीन स्टिल लाइफ बनी हुई है अलग अलग पेज नंबर 25 पर. मैं नीचे वाली बेटा करवा रही हूँ जो पेन की शेडिंग के साथ की हुई है. हमने पहले बहुत बार स्टिल लाइफ बनाई है, कलर्स के साथ बनाई है. ठीक है ना, पेंसिल कलर, वैक्स कलर, क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल में बनाई है. बट इस बार हम बनाएंगे इसको पेन के साथ, ब्लैक पेन के साथ. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपकी ड्राइंग जो है वो नीट होनी चाहिए. सो बेटा पेन के साथ हम इसमें स्टिल लाइफ ही नहीं, और भी लैंडस्केप भी पेन के साथ बन सकती है. पोर्ट्रेट को हम पेन के साथ बना सकते हैं. जैसे आप फ्रूट बास्केट बनाते हो, वेजिटेबल बास्केट बनाते हो, उसको भी हम पेन के साथ बना सकते हैं. ये भी आर्ट की ही एक टेक्निक है, पेन के साथ काम करना. ठीक है, ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट की ड्राइंग इसके आगे ग्लास बना दो. यहाँ कोई भी वेजिटेबल रख सकते हो आप, कुछ भी एड ऑन हो सकता है. इसकी ये बेस लाइन लगानी जरूरी है, जिससे पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट्स किसी टेबल पर कहीं पर पड़े हुए हैं. ओके, दिस पे एक्स्ट्रा लाइन को आप इरेज करते जाओ. सो बेटा जब आपकी ये स्टिल लाइफ की ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम ब्लैक पेन के साथ इसकी शेडिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट स्टार्ट शेडिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन. ठीक है, ये देखो, जैसे पहले तो हमने इसकी आउटलाइनिंग को प्रोमिनेंट कर देना है. इन दिस वे ओके, इसके बाद इसके बीच जैसे हमने जैसे चेक होता है ना, चेक लाइनिंग, जैसे ये ऑब्जेक्ट की पहले मैंने सारी आउटलाइनिंग कर दी. इसके बाद यहां से मैंने ऐसे लाइंस देनी शुरू की. इधर से भी ऐसे दी. ठीक है, फिर यहां से सीधी लाइन, यानी कि चेक सा एक बन गया, जैसे ऐसा चेक सा बनाना हमने. ऐसे ये ऑब्जेक्ट की हम आउटलाइनिंग पहले कर लेंगे. आफ्टर दैट ऐसे आउटलाइन पहले कर लेनी. ठीक है, फिर इसके अंदर हम जैसे पेंसिल के साथ हम लाइट एंड शेड करते हैं, सेम एज इट इज हमने पेन में भी करना है.
जहां आपने लाइट शेडिंग करनी है वहां पेन का स्ट्रेस कम कर देना है। जैसे अभी मैंने यहां पर डार्क पोर्शन शो करना है, तो ऐसे में इसको पेन को थोड़ा डार्क चलाऊंगी, इधर मीडियम टोन दे दी। फिर पेन के साथ भी लाइट डार्क मीडियम टोन होती है, जहां बिल्कुल ही लाइट है वहां पेन को बिल्कुल सॉफ्ट पे चलाना है। ठीक है, ऐसे देखो टोन्स आ गई ना, सेम एज इट इज हमने टोन पेन के साथ भी देनी है। जैसे इस तरफ हमने थोड़ा डार्क करना है तो पेन को स्ट्रेस के साथ चलाएंगे। इसको बहुत केयरफुल करना है, क्योंकि एक बार अगर आपका जहां से शेडिंग गलत होगी उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे इसके हैंडल में भी करोगे आप। ये जैसे डार्क है, ग्लास की भी ये एरिया डार्क कर देंगे। ऐसे ही ग्लास में कलर सारा कर दिया पेन के साथ। फिर ये वाले ऑब्जेक्ट में भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे ये वाले जो हमने कोई वेजिटेबल जैसे बनाई है, ये बेस लाइन को भी हम कवर करेंगे। ऐसे ऐसे हम कहीं पर बड़ा चेक दे देंगे, कहीं पर छोटा छोटा। लसेंगे बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा देंगे शेड। ये पेन को बहुत सॉफ्ट प्लीज लाएंगे, अगर इसको डार्क कर दिया हमारे ऑब्जेक्ट जो है बीच में ही रह जाएंगे, इसलिए इसको बहुत सॉफ्टली चलाना है, डार्क नहीं चलाना पेन। अगर पेन डार्क हो गया तो फिर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस कम होगा। ये कंप्लीट होने के बाद कुछ लुक आपकी ऐसे आएगी। ठीक है बेटा, सो इसकी प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस एट योर होम। इसका आपका एग्जाम होएगा, ये अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।